अर्थशास्त्र का उदय 250 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र का उदय हुआ। आज से हम बात करते हैं 200-250 साल पहले, जब अर्थशास्त्र का सबसे पहले उदय हुआ था, जो कि वर्ष 1776 में हुआ था। सेकेंड पॉइंट है, एडम स्मिथ के समय काल 1723 से 1790 की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में उन्होंने प्रकाशित किया था। एडम स्मिथ एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक के बाद हमें अर्थशास्त्र का उदय देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है, इस विषय को पहले पॉलिटिक इकोनॉमिक कागर पुकारा जाता था। 1776 से पहले बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस विषय को पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम दिया। चौथा पॉइंट है, यही कारण है कि डेविड रिकॉर्डो, थॉमस रॉबर्ट, मार्कस सीनियर तथा जे एस मिल के द्वारा अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर लिखी गई पुस्तकों का सामान्य शीर्षक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक था। बहुत सारे अर्थशास्त्री जैसे कि डेविड रिकॉर्डो, थॉमस रॉबर्ट, मार्थस सीनियर तथा जे एस मिल जैसे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम पहले दिया था। फिफ्थ पॉइंट, एल्फ्रेड मार्शल ने 1842 से 1924 में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर अपनी लिखी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से इस विषय का सरल तथा अधिक उपयुक्त नामकरण इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कर दिया। एल्फ्रेड मार्शल जो कि एक और अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी लिखी हुई पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को बहुत इजी वे में लिख दिया और उसे एक नाम दे दिया अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। सिक्स पॉइंट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अंकित विचारों का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट नामक इस पुस्तक में पहले भारतीय विचारधारा दृष्टिकोण की विवेचना की गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के हर एक इतिहास के बारे में जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है उसके बारे में उन्होंने उसमें बताया है।